भाइयों बहनों, गरीब हिंदू को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, गरीब मुसलमान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है। अगर हम दोनों को गरीबी के खिलाफ लड़ना है, आओ हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के हम गरीबी को परास्त करें। सरकार का एक ही मजहब होता है और वो मजहब होता है इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है और वो धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। सरकार की एक ही भक्ति होती है, वो भक्ति है भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, वो शक्ति है कोटि कोटि जनशक्ति। पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं घटी हैं, हम सत्ता में हो या न हो, पीड़ा करने वाली घटना है। चाहे पुणे की हत्या हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हुई हत्या हो, चाहे मनाली में डूबे हुए हमारे नौजवान हो, चाहे हमारी बहनों पर हुए बलात्कार हो, ये सारी घटनाएं हम सबको आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती हैं और सरकारों ने कठोरता से काम करना होगा। देश लंबा इंतजार नहीं करेगा, पीड़ित लोग लंबा इंतजार नहीं करेंगे और हमारी अपनी आत्मा हमें माफ नहीं करेगी। जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो, 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। और आप देखिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत देते। एक बार देखो मेरे देशवासियों, मेरे शब्द पे भरोसा कीजिए। माय गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ एनी रिलीजियस ग्रुप बिलोंगिंग टू द मेजोरिटी और द माइनॉरिटी टू इंसाइट हेट्रेड अगेंस्ट अदर्स ओवरटली और कवर्टली। जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें विकास के अमृत से मिटाना है, विकास के अमृत धारा पहुंचानी है और विकास की अमृत धारा से एक नई चेतना प्रगटाने का प्रयास करना है। देश को एक रहना है, एकता, सद्भावना, भाईचारा, शांति, यही देश को आगे ले जाएगा। एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, प्रतिभा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता।